करता है। अब मैं बात करूंगा कपास पे थ्रिप्स। तो आज के समय आप देख सकते हैं कपास में जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम में उत्पन्न हो गई है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है कपास की पत्ती को सिकोड़ देता है और उसको ऊपर की तरफ सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण पत्ती कम कर पाती है और हमें पैदावार भी कम प्राप्त होती है। कपास में थ्रिप्स का मेजर अटैक रहता है। और किसका अटैक रहता है हम देख सकते हैं, चित्तीदार बोलवर्म, ये आप देख सकते हैं चित्तीदार बोलवर्म, इसको चित्तीदार बोलवर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पत्ती खाने वाली इल्ली। तो ये दोनों भी मेजर इंसेक्ट हैं जो कपास के अंदर रहते हैं। अगर इनका अटैक तेज होता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये नई डोडी के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है, या आप देख सकते हैं जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर है या पत्ती खाने वाली जो इल्ली है, कैसे उसने नुकसान किया है, पत्ती में उसने छेद छेद कर दिए हैं, इसकी वजह से हमारी पैदावार में नुकसान होता है। तो ये दो तरह के इंसेक्ट की हम बात करेंगे, एक तो है चित्तीदार बोलवर्म, एक स्पोडोप्टेरा आपका है पत्ती खाने वाली इल्ली। तो मैं बात कर रहा हूं लार्गो की, लार्गो थ्रिप्स, चित्तीदार बोलवर्म और पत्ती खाने वाली इल्ली, तीनों के ऊपर बहुत ही अच्छा एक रामबाण समाधान है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। आप यहां देख सकते हैं ये थ्रिप्स है, ये चित्तीदार बोलवर्म है, ये आपका पत्ती खाने वाली इल्ली है। एक ही समय में हम तीनों का इनका इलाज कर सकते हैं। नियंत्रण की अवधि लंबी है, कम से कम 15 दिन का ये रिजल्ट हमें इन तीनों इंसेक्ट या कीड़े के ऊपर देता है। लार्गो ट्रांसलेमिनर एक्टिविटी है, जैसा कि मैंने D1 में आपको बताया, ट्रांसलेमिनर एक्टिविटी पत्ती के ऊपर की सतह पे जो स्प्रे होता है, स्प्रे होने के बाद पत्ती के नीचे की सतह पे दवाई निकल आती है, जिसकी वजह से अगर कोई थ्रिप्स पत्ती के नीचे की सतह पे है तो वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका संपर्क क्रिया द्वारा, अगर दवाई लार्गो का स्प्रे इंसेक्ट पे हो गया या थ्रिप्स पे हो गया तो उससे खत्म हो जाता है और पत्ती में चला जाता है ट्रांसलेमिनर एक्टिविटी के थ्रू, जिसकी वजह से अगर वो दवाई को खाता है या फिर पत्ती को खाता है तो भी वो जल्दी से मर जाता है। बात कर रहा हूं मैं थ्रिप्स की, चित्तीदार बोलवर्म की और पत्ती खाने वाली इल्ली की। इसका भी बहुत अच्छा फाइटोटोनिक इफेक्ट है, इससे भी हमें स्वस्थ और रेशमी पत्तियां हमें मिलती है। इसका जो आवेदन का समय है वो 50 से 70 दिन का है, 50 से 70 दिन के बीच में हमें इसका इस्तेमाल करना है। 50 दिन पे हमारी वेजिटेटिव स्टेज होती है, हमें उस समय मेजर अटैक हमारा जो रहता है थ्रिप्स का रहता है और जो बोलवर्म है या जो इल्लियां हैं उनकी शुरुआत होती है। तो 50 से 70 दिन में अगर हम लार्गो का स्प्रे करेंगे तो हमें इंसेक्ट पे या थ्रिप्स पे कंट्रोल मिलेगा। साथ में जो ये चित्तीदार बोलवर्म है और पत्ती खाने वाली इल्ली है, इनके शुरुआत में स्प्रे करने से ये बोल के अंदर नहीं जाते हैं, ये जो कपास के जो बोल है उसके अंदर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बोल का नुकसान नहीं होता और हमें ज्यादा पैदावार हमें इसमें मिलती है। इसकी जो मात्रा है 180 ml पर एकड़, 180 ml प्रति एकड़ की इसकी मात्रा है, 180 ml पर एकड़ की इसकी मात्रा है, 150 से 200 लीटर वाटर वॉल्यूम में हमें इसका यूज करना है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री है, ये कंप्लीटली सेफ है पर्यावरण के लिए, और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं जो कि हमारे जो फायदेमंद हैं, जो कपास की फसल को फायदा पहुंचाते हैं, उनके लिए कंप्लीटली सेफ है और इसकी जो मात्रा है 180 ml प्रति एकड़ है। तो ये मैंने बात की लार्गो के बारे में, लार्गो जो है थ्रिप्स, चित्तीदार बोलवर्म, पत्ती खाने इल्ली, तीनों पे काम करता है।